नमस्कार दोस्तों, मैं आजम, मैं अकबर, टॉक टॉक में आपका स्वागत करते हैं। त्रने ने 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 त्रने ने 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 त्रने ने 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 त्रने ने ने त्रने ने 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 त्रने ने 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 त्रने ने 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 त्रने ने। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, आप खामोश हो जाइए ताकि हम पीछे छूट गई बातचीत को आगे बढ़ा पाए। हमने बंद करी थी कि बातचीत है, बातचीत तुमने बंद करी थी तो हम अपना रियाज करने लगे, रियाज नहीं छोड़ सकते हम अपना, समझे? त्रने ने अच्छा अच्छा सर शुरू करें, बातचीत शुरू करें। चलो तो दोस्तों, हमारे साथ बाजे भैया मौजूद हैं, ब्रास बैंड के मेंबर हैं। पिछले एपिसोड में बाजे भैया ने बताया था कि एक बारात जब उठती है और जलवा से पहुंचती है तो बैंड के साथ क्या क्या घटता है। कुछ बातें हो चुकी हैं, बात आगे जारी है। तो हम कहां पर थे? हमें क्या पता तुम लोग कहां थे, हम तो अपने घर चले गए थे। अरे कहने का मतलब है कि हम लोग बातचीत में कहां थे? बातचीत में हाँ, बातचीत में हम लोग, हम पल्लू लटके हुए थे, बराती सब मजे में थे। ये चमक धमक, गाना बजाना, मौज मस्ती, ये तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगती है वो बताइए। एक चीज़ बहुत सी चीज़ है, जैसे दहेज। दहेज हमें बहुत बुरा लगता है भाई साहब। ये बड़े अफसोस की बात है कि दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में मौजूद है और हमारी न जाने कितनी बहनों की शादी इसी दहेज प्रथा के कारण नहीं हो पाती। सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत सी बरातें हमने वापस लौटते हुए देखी। अभी एक बारात की हम बात बता रहे, अभी हमने बारात कही थी, बढ़िया बारात थी, बढ़िया बारात, लाखों खर्च कर दिए तुमने सजावट में, बढ़िया। आखिरी गाना चल रहा था, हम लोग बजाते गाते चले जा रहे थे, आखिरी गाना चल रहा था वो वाला, कौन सा? बहारों फूल बरसाओ मेरा मैं भूल आया है। ले यार, दरवाजे पहुँच गई बारात, दूल्हे ने जो घोड़े से उतरने से मना कर दिया, वो कह रहे हम नहीं उतरेंगे, हमें कार चाहिए, गाड़ी ले आ, पहले गाड़ी मांग रहे, कह रहे तब उतरेंगे नीचे, समझे यार। हमने लड़की के बाप को गिगे आते हुए देखा, मैंने अपनी पगड़ी उतार के नीचे रख दी, कह रहे भैया उतर यार, हम जल्द से जल्द 3 किस्तों में पूरे पैसे चुका देंगे गाड़ी के। दूल्हा अपनी ठसक में, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हमें गाड़ी चाहिए, हम तब उतरे नीचे। वो कह रहे हम वो करते, क्या करते? हाँ, हम कंप्यूटर चलाते, हम इंजीनियर हैं जी, कह रहे दूल्हा। यार, सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत करते हैं। आजकल तो पढ़े लिखे लोग ही ऐसी हरकतें ज़्यादा कर रहे हैं। अजय, पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में कुटाई हो जाती है हम लोगों की, क्या है बारात में कोई का झगड़ा हो, कुटते सबसे पहले हम बैंड वाले हैं, गरीब हैं, चाहे कोई मार ले हमें। ये बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम पहले लटके से खैर आगे बढ़ते हैं। अब तो बारात पहुँच गई होगी। अभी कहाँ पहुँची बारात, अब तुझे सब शराबी भैया जो साइड में हो गए डांस करके, अब बुड्ढे खाली डांस कर रहे हैं, बुड्ढे डांस कर रहे हैं पल्लू लटके पे, और जिम्मेदार आदमी बारात आगे बढ़ वाला। अब जो हमें मास्टर ने देख लिया, सब गाने हो गए, अब पूरी बारात को एक साथ डांस करवाना है। मास्टर ने सारा कर दिया, हम लगा हिट हिट हे, जे सारा होता खामोश होने का, हम सब खामोश हो गए। भांगड़े वाले आगे निकल के आ गए, अब बजा भांगड़ा, रगड़ 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 रगड़। यार तुम लोग बजाते ही नहीं है यार, बार बार तुमसे कहने पड़ती, बजा यार। अरे भाई, आप बार बार हमें बजाने के लिए बोलते हैं, हम लोगों को बजाना नहीं आता। नेताओं को देश चलाना आता, फिर भी चला रहे, जनता की बजा रहे। जी हम समझ गए, हम बजा देंगे, बजा। हाँ तो फिर हो जाओ, शुरू हो जाओ एकदम, धाकी निक्की 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 धाकी निक्की निक्की निक्की। यार तुम बजाते ही नहीं यार, तुम्हारे लिए फर्स्ट वाली धुन लगानी पड़ेगी यार। हाँ चलो शुरू हो जाए, रगड़े 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 रगड़े। बस बहुत है, फंसूगर छोड़ दिए बरातियों ने, फंसूगर छोड़ दिए। बराती समझ गए कि अपने पे आगे बैंड वाले हाँ भी लेने लगे, बराती कहने लगे जी अपने पे आगे बैंड वाले, फुर्ती में आगे बढ़ा लो बरात। अच्छा ये बताइए कि बरात की कोई ऐसी घटना जो यादगार रही हो। एक घटना, हम गिना 43, आज तक नहीं भूले, शीशा देखते याद आ जाती है मैं तुरंत। भाई ऐसी कैसी घटना जो शीशा देख के याद आ जाती है? ये देख रहे हैं निशान, कुटे आते विकेट, काहे बारात में जब जब झगड़ा लड़ाई होता है सबसे पहले हम बैंड वाले कूटते हैं। ये क्या बात हुई भाई, बारात की लड़ाई है उसमें आप कैसे कूट सकते हैं? एक बात बताएं, आजकल कोई का कोई से मतलब हो चाहे ना हो, कूटती सबसे पहले जनता है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? कह नहीं रहे, सबूत के हिसाब से बता रहे। अब देखो, अब जो नोटबंदी हुई थी, कोई अफसर कोई नेता मरा लाइन में को लगा, जनता मरा को जनता। अब जो कोरोना फैल गया, सब अपने अपने घर में छुप के बैठ गए, दुपक के बैठ गए सब, सड़क पे मरा को जनता। अब आ रहा है इलेक्शन, जीताएगा को नेता, अगले 5 सालों के लिए मराएगा को, बताओ
बताओ कौन मराएगा? जनता। तो बारात में जो जनता होते हैं बैंड बाजे वाले, लड़के वाले तो बैंड बाजे वालों को मार रहे, लड़की वाले तो बैंड बाजे वालों को मार रहे, शराबी ने ज़्यादा शराब पी ली तो हमें मार रहे। अभी एक बारात थी, वहाँ में एक आदमी था एकदम बहुत भयंकर वाली शराब पी, नशे में था, हमारे सिंगर को पकड़ लिया। वहाँ से इतना कह रहे वो भैया मुंगड़ा मुंगड़ा, ऐसी शकल हो गई थी हमारे सिंगर की। हमारे मास्टर अस्टर के साथ यार बत्तीमेजी करने लगा वो शराबी यार, इतना कह रहे वो भैया मुंगड़ा। अब कोई बराती उससे कुछ कह नहीं पा रहा, काहे वो था दूल्हा का जीजा, बदतमीजी कर रहे हैं सबके साथ। फिर जो हमारे बैंड में मास्टर हैं एक्सपीरियंस वाले पुराने, वे आ गए, वे समझ गए। उनने कही जी वो कह रहे हैं वो वजह मुंगला मुंगला गुड़की डली। हमारे मास्टर समझ गए, मास्टर ने कर दिया सारा हिट हिट हे, हो गया गाना शुरू। मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़की डली, बनता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। टने टने ने ने, बनता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये। वहाँ के बाद वो जो नाचा है इतनी विकेट नाचा, और मैंने हम बैंड वालों को पस्त कर दिया यार, सही बता रहे जी। बहुत मज़ेदार बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए कि कोई बात जो आपको खटकती हो और जो आप जो कहना चाहते हो। बातें देखो इतनी है, तुम्हारा शो खत्म हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। सबसे पहली बात तुझे, आदमी ये सोचती नहीं कि हम लोगों के पेट लगा, हम लोगों को तो भूख ऐसे लगती ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम बैंड बारात में जो बढ़िया बजा के पहुँचते, मेहनत करते हैं हम, लेकिन खाना में कब मिलता? जब पूरी बारात खा लेती, बचा कुचा खाना मिलता है। एक बात बताएं भाई साहब, आज तक मुर्गे की टांग तो मिली नहीं है हमें। अभी हम बता रहे थे पिछली एक हमने बारात करी थी, वहाँ में कहा भैया यार उनने हमें खाने नहीं खिलाया यार, वे कहने लगे खाने की तय नहीं भाई थी, शरबत के गिलास पिला के टरका दिया मैं। अब बताओ जे करते। दूसरे दिन जो है जज्जे बड़े भगवान ने उनके दाल के चावल के पनीर की सब्जी के फेंके हैं, खराब हो गए थे सब। अगर वे हमें दे देते तो हम गरीबों का पेट नहीं भर जाता। भाई ये बात तो एकदम सही बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि शादियों में लोग खाने की बहुत सारी बर्बादी करते हैं। जिस देश में इतने सारे गरीब लोग हों, खाने की बर्बादी तो जायज़ नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल जायज़ नहीं है, और मेरे ख्याल से सबको इस पर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं बढ़ पाएंगे आगे, बारात पहुँच गई जनवा से, आपको बजाते नहीं हम लोग हैं सब जो ढोल बाजे हम लोग साइड में रख दिए। अब आखिरी आइटम होगा नागल का। नागल का है, नागल हमारे दो आदमी सेट रहते, पहला आदमी जो रुमाल निकाल के बन जाता बीन बजाने वाला, और दूसरा बन जाता नागिन, फिर होता डांस। ठीक है अभी हम बजाएंगे बीन और तुम दो बनोगे नागिन, चलो करो डांस। अरे नागिन नहीं बनने था, नाग ही बन जाओ, नाग बन के डांस करो है, चलो डांस करो शुरू, हम बजा रहे। आज जो चल रहा है देश में समझे, नेता ऐसे बीन बजा रहे और जनता से डांस कर रही। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, आप अगर ये बीन बजाना बंद करें तो हमारा ये डांस बंद हो। हो गई बंद भाई, ऐसा नहीं, सरकार से बीन ही नहीं बजा रही, काम पर भी ध्यान दे रही है। अभी जो नई योजनाएं लागू हो रही हैं वो इसलिए लागू हो रही हैं ताकि लोग बाग अब काम की तरफ सोचें, घंटा सोच सकें काम की तरफ। यार हमें तो लग रहा है कि लॉकडाउन के बाद आदमी बैंड बाजा कैसे बजवाएगा, और बैंड नहीं बजेगा तो हमारी बच जाएगी यार। भाई यहाँ आपको बैंड की पड़ी है, यहाँ पूरे देश की, हाँ पता है, हाँ पता है, पूरी दुनिया की बजी पड़ी है, हमने बजाई है। तुम्हारे ऐसे आदमी हवाई जहाज में बैठ के लाए विदेश से कोरोना, हम लोगों ने फैलाया कोरोना, हम मजदूरों ने फैलाया, बता कहीं थे, बताओ किन्ने फैलाया? कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये क्या कोरोना वोरोना लगे? अच्छा ये बताइए छोड़िए, अपनी बारात जो बारात खत्म, बारात खत्म हो गई एकदम सही सलामत पहुँच गई। आखिरी गाना जो बजना है तो बज गया, बाहर हम फूल बरसा मेरा महबूब आया है, हम देख रहे बरातियों की शक्ल का है। अगर बारात अच्छी हुई होगी तो मैं खाने में लगेगा, नहीं तो एक एक गिलास पानी पिला के टरका दिया जाएगा। बात मत इतनी सी है, शुरू से लेकर एंड तक की मैंने तुम्हें पूरी कहानी बता दी समझे, आगे हैं पता है क्या कहने। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो देखते रहिए टॉकी टॉक, लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।